क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो मैंने चैप्टर 9 लिया हूँ। सो इस वीडियो को शुरू से इन तक देखिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना है, ठीक ना। 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई, ये आपको पता होना चाहिए कि 6 दिसंबर 1992 का जो डेट है उसमें बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, यानी बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी JDU, इसे शॉर्ट में हम लोग JDU कहते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है, ठीक ना। इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग कमेंट में देना है। तो जनता दल यूनाइटेड वो बिहार राज्य की पार्टी है, किस राज्य की पार्टी है, बिहार राज्य की पार्टी है। फाइनली नोका सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अपने लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए, ताकि आपका फ्रेंड भी इस वीडियो में जुड़ सके और इस वीडियो में लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था, यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था। इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 415 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 415, यानी सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें कह रहा है मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर, ठीक है, मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया, तो इनका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए 11 नंबर का। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा VP सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VP सिंह। फाइनली 11 का जो है बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में। भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ, ठीक ना, भारत में जो है नई आर्थिक नीति वो कब से लागू हुआ, तो इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 को, कब हुआ था, 1991 को। फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, ये तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड आसान भी है, तो बताइए आप लोग कमेंट में कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1980 को हुआ था, कब हुआ था, 6 अप्रैल, ठीक ना, 6 अप्रैल 1980 को। फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें कह रहा है कि जनता दल का गठन कब हुआ था, ठीक ना, जनता दल का गठन कब हुआ था, 14 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो जनता दल का जो गठन हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 1988 को जनता दल का गठन हुआ था, ठीक ना, 11 अक्टूबर 1988 को। फाइनली 14 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आपके स्क्रीन पे, इसमें क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, जनता दल के संस्थापक यानी अध्यक्ष कौन थे, जनता दल के संस्थापक यानी अध्यक्ष कौन थे, इनमें से 4 ऑप्शन है, ठीक ना, इसमें राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, VP सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VP सिंह। फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, यानी 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। 17 का राइट आंसर आप लोग बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा VP सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VP सिंह। फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, साबानो मामला किससे संबंधित मामला था, साबानो मामला किससे संबंधित मामला था, तो इस क्वेश्चन का 18 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइए। फाइनली 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो साबानो मामला किससे संबंधित मामला था, तो 18 का जो है, ठीक ना, ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से, तो 18 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है,
ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है? तो भारत में गठबंधन की सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है? तो 19 का राइट आंसर आप लोग बताइए, तो 19 का क्या हो जाएगा, वीपी सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीपी सिंह, फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? यानी मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो 20 का जो है आप लोग को राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहार, यानी फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें कह रहा है कि लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो 21 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक ना, यानी फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? तो 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से चार ऑप्शन है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व की अवहेलना, ठीक ना, 22 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? जी हाँ फ्रेंड्स, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा कांसी राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांसी राम, फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? ये तो आपको पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड आसान क्वेश्चन है कि तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है पश्चिम बंगाल, यानी कि 24 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इनमें से चार ऑप्शन है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक या सांविधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, ठीक ना, 26 नंबर में कह रहा है क्या, इनमें से यानी इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 26 का सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन है, बताइए कमेंट में। तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है मुखिया होता है, कौन होता है, मुखिया, 27 का बी विल बी दी राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।